हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और व्लॉग। सो सॉरी, पिछले कुछ दिनों के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए XUV700 का छोटी से छोटी चीज़ का व्लॉग बना सकूं, बट मेरी जो पहली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जॉब करना। सो जब भी मुझे मेरी SUV एक्सपर्ट की, जो मैं महिंद्रा में जॉब करता हूँ, उसके बीच में मुझे जहाँ भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव लेकर आऊँ। गाइज, सेम टाइम पर फिलहाल टिल नाउ मेरा काम नहीं है कि मैं और गाड़ियों के ऊपर व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स बना रहा होता हूं मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे दोस्तों की लाइफ के ऊपर। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि XUV700 जिसके बारे में मैंने हर एक चीज़ पढ़ी, उसके बारे में जाना, उसका एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि कोई भी इंसान ना परेशान ना हो जो उस गाड़ी को रख रहा है। सेम टाइम पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इंग्लिश में इसलिए व्लॉग नहीं बना रहा बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो हिंदी जानते हैं, तो मैं पहले उन लोगों के लिए कोशिश करूंगा, उसके बाद में आई ट्राई टू मेक व्लॉग्स इन इंग्लिश टू। ठीक है, सो आज वाला व्लॉग है बहुत सिंपल। आज वाले व्लॉग में हम बात करेंगे, पहला, पैसेंजर एयरबैग को कैसे बंद करना है। वन, सेम टाइम पर गाड़ी में मेरे से एक व्यूअर ने पूछा कि जो विंडशील्ड वाइपर है उसमें पानी कैसे भरे, मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। गाइज, एक और चीज मैं इसके साथ बताना चाहूंगा, आपको हो सकता है कोई चीज मालूम हो, मुझको मालूम है, पर जरूरी नहीं है हर किसी को मालूम, और उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हर किसी की पूरी तरह हेल्प करना। सो छोड़ो, ज्ञान बहुत हो गया, व्लॉग को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज के ऊपर बनाएं। AX5, AX7 जितने वेरियंट है ना, मैं सब पे व्लॉग बनाऊंगा, मगर आउटलेट में गाड़ी आने दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो, जो आपके पास आने वाला है ना बहुत अमेजिंग व्हीकल है, पर ऐसे ना जिनकी तरह महिंद्रा आपको गाड़ी नहीं दे सकता, होता है ना ऐसे करा और गाड़ी आ गई, टाइम लगेगा, इतनी सारी गाड़ियां लोगों ने बुक करी है, पर सबकी गाड़ी तरीके से आएगी, टाइम पर आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पैसेंजर एयरबैग के बारे में कि उसे ऑन ऑफ कैसे करना है, सेम टाइम मैं दूसरी चीज बताऊंगा आपको कि विंडशील्ड वाइपर में पानी कैसे भरना है। 2 मिनट तो ऐसे हो गए, माय गॉड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। सो गाइस, सबसे पहले ये आपको जो 3 बटन दिख रहे हैं, ये तीनों की तीनों लाइट्स होती है इंडिकेट करने के लिए, और इसके नीचे लिखा हुआ भी आता है पैसेंजर एयरबैग। आई विश मैं आपको अच्छी तरह दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि पैसेंजर एयरबैग को ऑफ कैसे करते हैं। यही मेरा मेन्यू रहेगा, यहाँ से मैंने इसको प्रेस करा, मैं अंदर की तरफ गया। देखिए गाइस, बेसिकली पैसेंजर एयरबैग बंद किन लोगों को करना होता है कि सपोज करो मैं अकेला ही चल रहा हूँ, तो उस केस में मैं उसको ऑफ कर सकता हूँ, पर मेरी तरफ से अगर मैं पर्सनली सजेशन दूँ ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा पैसेंजर एयरबैग कभी बंद हो। यहाँ से मैं गया, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करा, और यहाँ से मैं इसको ऑन है पैसेंजर एयरबैग, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ओके करा, ठीक है, पैसेंजर एयरबैग ऑफ, अब आप देखेंगे कि ना यहाँ पर ये रोशनी लाइट जल गई, दिख रहा है आपको। अब इसी के साथ ना मैं वापस इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं नीचे गया, इसको मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ओके। अब मैंने जैसे ही इसको ऑन करा, पैसेंजर एयरबैग ऑन, ठीक है, मैं बाहर आ गया। अब जैसे मैंने इसको बाहर बंद करा, अब आप क्या देखोगे कि अब ये वाली लाइट चल गई। तो आप समझ गए कि अगर ये हटे ऑन होगा तो इसका मतलब पैसेंजर एयरबैग ऑन है, अगर ये वाली जल रही होगी इट मींस पैसेंजर बैग जो है एयरबैग वो ऑफ है। अब मैं आप लोगों को 2 चीज और बताता हूँ। बेसिकली फेवरेट वाला जो बटन है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा, ये बोनस है। सो बेसिकली सपोज करो इस स्क्रीन के अंदर मुझको फ्यूल इकोनॉमी बार बार देखने का मन है, या चलो छोड़ो फ्यूल इकोनॉमी छोड़ते हैं, इसमें हम रखते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन अगर मैं बार बार काम में लेता हूँ, कहाँ गया नेविगेशन, ये रहा नेविगेशन, तो मैंने यहाँ से नेविगेशन ऑन करा और अब मेरा नेविगेशन चल गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन, इसको मैं लॉन्ग प्रेस के रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ आ गया। अब मैं इस वाले मेन्यू में कुछ भी बाहर जाकर, सपोज करो मैंने व्हीकल इन्फो कर दिया और अगर मुझे एकदम से नेविगेशन देखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इस फेवरेट वाले बटन को दबाऊंगा और यहाँ मेरा नेविगेशन आ जाएगा। उसी तरीके से इस स्क्रीन के अंदर मुझको ये वाला जो मेन्यू है, ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है, देख रहे हो आप, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर वाला जो ये स्टार बटन है,
इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा और यहाँ ये हार्ड बना हुआ आ गया। अब अगर मेरी सेटिंग में कोई भी चीज बाहर की तरफ है जो नॉर्मल काम कर रही है, उसके बीच में अगर मुझको डायरेक्ट उस फन वाले पार्ट पे जाना है, तो मैं इस बटन को प्रेस करूंगा और इस बटन को प्रेस करते ही डायरेक्टली आ गया। तो आई होप ये चीज आपके समझ में आई हो। अब मैं अगली जो चीज दिखा रहा हूँ आपको, मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। अगली चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है विंडशील्ड वाइपर में पानी भरना। तो यहाँ से मैं है ना बटन जो है बोनट का उसको खोल लेता हूँ। बोनट को खोलने के साथ क्या होगा, फ्रंट के जो हैजर्ड लैंप है वो चालू हो जाएंगे, देख रहे हो आप। सो जैसे ही हैजर्ड लैंप चालू हुए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना मैं हेल्प ले लेता हूँ। ये एक स्विच है नीचे, यहाँ इसको मैंने प्रेस करा, देख रहे हो, और इसको ऐसे करके मैंने खोल लिया। खोलने के बाद ना ये जो है ये फ्लूइड डालने के लिए, दिख रहा है वाइपर वाला साइन, तो आप इसके अंदर पानी भर सकते हो। अच्छी खासी बड़ी बॉटल है, नीचे तक दिख रही है आपको। तो ये यहाँ से हुआ, इसको मैंने कर दिया बंद। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट चीज़, जो वाइपर है उसका थ्रो, कि जो वाइपर है उसके पानी का थ्रो कैसा है। तो मैं आया गाड़ी के अंदर वापस, गाड़ी में आके मैंने कर ली गाड़ी स्टार्ट। वैसे ये भी चीज़ चेक करते हैं, रुको, ये भी चीज़ चेक करते हैं कि थ्रो कैसा है। तो आप थ्रो देखो, सो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा थ्रो है। सेम टाइम जो वाइपर है ना वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी भी है और पूरा का पूरा मिरर कवर कर रहे हैं। आपको मैं फिर दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, देखो। तो वाइपर्स का थ्रो भी बहुत अच्छा है, इस कोने से लेके इस कोने तक पूरा का पूरा, और क्वालिटी भी अच्छी है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा आउटलेट है जयपुर के अंदर, आप वहाँ आओ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, एक्सपीरियंस लो 700 का, महिंद्रा की किसी भी और प्रोडक्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।